14 जुलाई 2023 ये वो दिन था जब पूरा भारत अपने गर्व से भरे हुए पल को जी रहा था और पूरी दुनिया इस क्षण की साक्षी बनी हुई थी। कुछ देश भारत को घृणा की दृष्टि से देख रहे थे तो कुछ देश जिन्हें भारत से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं वो भारत को उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि आज के दिन भारत ने चंद्रयान मिशन को लॉन्च कर दिया था। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, चंद्रयान चांद की ओर बढ़ रहा होगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि चांद पर कोई मिशन गया है, बल्कि आज से पहले भी चांद पर अंतरिक्षयान भेजे जाते रहे हैं और इंसान भी चांद पर कदम रख चुके हैं, जिनके पैरों के निशान आने वाले कई लाख साल तक मौजूद रहेंगे, क्योंकि वहां पर कोई वातावरण नहीं है, इसलिए वहां हवा है ही नहीं, जिसकी वजह से वहां धूल नहीं उड़ती और जिससे इन पैरों के निशान को मिटाया नहीं जा सकता। आज हम उस दिन की बात करेंगे जिस दिन चांद पर पहली बार इंसान ने कदम रखा था। यह दिन था रविवार का और तारीख थी 20 जुलाई और साल था 1969। इस दिन चांद पर इंसान ने पहली बार कदम रखा था। इस दिन अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद पर उतरकर उसकी सतह पर मानव पदचिन्ह छोड़कर इतिहास रच दिया था। ये मानव के ज्ञात इतिहास में पहली बार था जब मानव ने धरती से बाहर किसी दूसरे पिंड पर कदम रखे थे। और इस घटना के बाद से हमारा अंतरिक्ष का ऐसा सफर शुरू हुआ कि जिसके कारण आज हम चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जब आप कुछ अच्छा या बड़ा करते हैं तो कुछ लोगों को आपसे उम्मीदें होती हैं और कुछ लोग इसको सच मानने से ही मना कर देते हैं, पर दोनों में से सही कोई भी हो सकता है। पर कुछ सवाल होते हैं जो आपके मन में भी आते हैं और कुछ सवाल जायज भी लगते हैं। 1969 में तो इंसानों की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस भी नहीं थी, न तो उस समय इंटरनेट इतना एडवांस था और ना ही उस समय आज की तरह अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर कई सौ सैटेलाइट घूम रही थी। यहां तक कि उस समय के बड़े से बड़े कंप्यूटर की क्षमता भी आपके हाथ में, जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल से भी कम थी। तो आखिर इतनी कम टेक्नोलॉजी के साथ भी अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर कैसे उतार पाया और क्या है चंद्रमा पर उतरने की ये सारी कहानी? क्या इन्हें एक स्टूडियो में बैठकर शूट किया गया है? क्या सच में अमेरिका वहां पर गया है? कुछ लोग इन दोनों बातों को सच मानते हैं, कुछ इस बात को भी सच मानते हैं कि ये स्टूडियो में बनाया गया एक वीडियो है, कुछ लोग इस बात को भी सच मानते हैं कि सच में अमेरिका चांद पर गया है। अब जानते हैं कि अमेरिका द्वारा फैलाई गई एक सिर्फ अफवाह थी या सच में उसने चांद पर कदम रखे थे ताकि उसे दुनिया में नाम और रुतबा दोनों मिल जाए, इसलिए उसने ऐसा किया है। इसलिए उसने फोटो और वीडियोस एक अनजान जगह पर बनाई और एडिट करके दुनिया के सामने पेश कर दी। नासा द्वारा जारी की गई वीडियो और फोटो पे जो संदेह है उसके कई कारण है, इसकी असलियत भी बताते हैं कि फेक है असली। इसी के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में आप ये जानेंगे कि अमेरिका ने चांद पर सच में कदम रखा था या फिर ये एक झूठा कारनामा है जो नाम और रुतबे के लिए किया गया था। लेकिन इससे संबंधित कुछ सवाल हैं जो आपके मन में होने चाहिए या जो दुनिया के लोगों ने व्यक्त किए हैं, जैसे कि इन तर्कों को सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या सच में ये सब एक स्टूडियो में बैठकर बनाया गया है या अमेरिका वहां पर सच में गया है? जैसे कि अगर चांद पर वायुमंडल नहीं है तो वहां पर झंडा लहरा कैसे सकता है? नील आर्मस्ट्रांग के स्पेस सूट का गिलास में बज एल्ड्रिन दिख रहे हैं पर उनके हाथ में कोई कैमरा नहीं है, तो फिर नील आर्मस्ट्रांग की फोटो किसने ली? चांद पर आसमान में तारे क्यों नहीं दिखाई दे रहे? सबकी परछाइयां अलग अलग दिशा में क्यों दिखाई दे रही हैं? और ऐसे भी बहुत से सवाल हैं और उनके जवाब सुनकर आप ये तय कर पाएंगे सच में अमेरिका वहां पर गया था या नहीं। तो चंद्रमा पर इंसानों को उतारने की कोशिश शुरू होती है 1960 से। अमेरिका का मकसद रशिया को इस स्पेस की दौड़ में पीछे छोड़ना था कि अमेरिका को यह डर था कि जितनी तेजी से रशिया अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है उसको देखते हुए कि कहीं रशिया उनसे पहले चंद्रमा पर इंसान को न भेज दे, इसलिए हड़बड़ी में उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने नासा के वैज्ञानिकों को यह आदेश दिया कि वह किसी भी हद में रशिया से पहले स्पेस रेस जीतना चाहते हैं और इसके लिए चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला इंसान अगर कोई होगा तो वो अमेरिकन ही होना चाहिए। नासा को चांद पर इंसान को भेजने और वहां से उसे सकुशल पृथ्वी पर वापस लाने के लिए एक बेहद शक्तिशाली और मजबूत अंतरिक्षयान व रॉकेट बनाना था, जिसके लिए नासा ने करीब 6 साल तक कड़ी मेहनत करके लूनर मॉड्यूल तैयार किया। इसे नाम दिया गया ईगल
यह लूनर मॉड्यूल चांद की कक्षा में रॉकेट के जरिए पहुंचने के बाद चांद की सतह पर लैंड होना था। नासा ने चांद तक जाने और वहां से वापस आने के लिए शक्तिशाली रॉकेट इंजन का आविष्कार किया। यह उस समय का दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंबशन इंजन था। इसकी क्षमताओं को परखने और उसे बढ़ाने के लिए नासा ने करीब 7 साल तक इसके परीक्षण किए। इसके बाद ही नासा को बेहद शक्तिशाली और सफल रॉकेट इंजन बनाने में सफलता हासिल हुई। नासा ने अपने मानव चांद मिशन की तकनीक समझने और उसे मूर्त रूप देने की संभावनाओं के लिए 1961 में ही प्रोजेक्ट जेमिनी की शुरुआत की थी। 1966 तक चले इस प्रोजेक्ट के तहत 10 बार इंसानों को पृथ्वी की कक्षा पर भेजकर वापस धरती पर लाया गया। इस दौरान इंसानों के शरीर और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले अंतरिक्ष के प्रभाव को भी समझा गया, साथ ही कई तकनीकी चीजों को भी समझा गया। चांद पर इंसानों को भेजने से पहले नासा ने एक परीक्षण मिशन भी किया था। अपोलो 1 नामक इस मिशन के तहत 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री को पहली बार पृथ्वी की कक्षा तक भेजकर उन्हें वापस धरती पर लाना था। यह नासा के चांद मिशन का रिहर्सल था। 27 जनवरी 1967 को अपोलो 1 को जब लॉन्च किया गया, इसके केबिन में आग लग गई। इस घटना में तीनों अंतरिक्ष यात्री वर्जिल आईएस ग्रिसम, एडवाइट और रोजर बी चैफी का निधन हो गया। नासा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन नासा ने हौसला बनाए रखा और मिशन को आगे बढ़ाया। आखिर में वो दिन आ ही गया जब अपोलो 11 मिशन 3 को लेकर चंद्रमा की ओर चल पड़ा। इसमें नील आर्मस्ट्रांग, मिकेल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन सवार थे। करीब 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करके अंतरिक्षयान 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की जमीन पर उतर आता है। पहली बार नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम रखा। उनके कदमों के निशान वहां पर आज भी देखे जा सकते हैं। इस घटना को आज 50 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इस घटना पर सवाल उठाते हैं, इसे सीधे सीधे झूठा बताते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका कभी चंद्रमा पर पहुंचा ही नहीं, बल्कि यह चंद्रमा की पूरी लैंडिंग झूठी थी, एक फेक स्टोरी थी, एक स्क्रिप्टेड स्टोरी थी। अमेरिका ने नासा के हेडक्वार्टर में कंप्यूटर पर लिखी थी और इन वीडियोस को, फोटोज को धरती पर ही तैयार किया गया है। सबसे पहला तर्क जो लोग देते हैं वो सबसे मशहूर है, जिसके चलते मून लैंडिंग की वीडियो को झूठा बताया जा सकता है। वो ये है कि चंद्रमा पर तो कोई वातावरण है ही नहीं, तो इस हिसाब से चंद्रमा की तस्वीरों और वीडियोज में आसमान में कई तारे दिखने चाहिए। पर नील आर्मस्ट्रांग की फोटोज और वीडियोज में हमें कई तारे या कोई भी तारा दिखाई नहीं दे रहा। तो इस पर जवाब नासा ने दिया है। उनका जवाब यह है कि जब अपोलो मिशन चंद्रमा पर लैंड किया गया, तब वहां चंद्रमा के दिन वाले हिस्से पर लैंड किया था, जिसके कारण चंद्रमा के उस हिस्से पर सूरज की काफी ज्यादा रोशनी पड़ रही थी, जिसके कारण एस्ट्रोनॉट के सफेद स्पेस सूट भी काफी ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसी रोशनी धरती पर सूर्य की पड़ती है, चंद्रमा पर उससे कई गुना ज्यादा पड़ती है, क्योंकि वहां पर वातावरण नहीं है। और उस समय के कैमरे भी काफी ज्यादा लो क्वालिटी के वीडियोज या फोटोज लेते थे, जिनमें बारीक डिटेल्स को देख पाना लगभग नामुमकिन था। इसलिए चंद्रमा पर लैंडिंग के दौरान ली गई वीडियोज और फोटोज में काफी बेकार क्वालिटी दिखाई देती है, और कम क्वालिटी होने के कारण उस समय के कैमरों ने चंद्रमा के आसमान में दिखने वाले तारों को कैप्चर नहीं किया। वैसे कभी आप अगर धरती पर रात के समय फोटो लेते हैं तो आपकी वीडियोज से भी तारे गायब होते हैं, तो ये लॉजिक तो समझ में आता है। ये बात नासा की जायज लगती है। जितना सवाल जायज लगता है, उतनी ही नासा का जवाब भी जायज लगता है। दूसरा कारण, जब चंद्रमा पर कोई हवा है ही नहीं, तो फिर अमेरिकन फ्लैग वहां पर लहरा क्यों रहा है? कैसे वो झंडा सीधा खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? कैसे उसके अंदर कंपन महसूस हो रहा है, जैसे कि वो हवा में लहरा रहा हो? पर इसका जवाब काफी सिंपल है। नासा ने बताया कि वो अपने रिसर्च के हिसाब से जानते थे कि चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, वहां पर कोई हवा नहीं है, इसलिए नासा ने अपोलो मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट के साथ कुछ खास तरह का झंडा भेजा था, जिसके ऊपर एक पतली एल्यूमिनियम रोड लगी हुई थी, ताकि वो अमेरिकी झंडे को सीधा रख सके, क्योंकि कोई भी देश नहीं चाहेगा कि उनका झंडा झुका हुआ रहे। इसके अलावा उसकी तस्वीरों में लहराने की वजह यह है कि जब नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन चंद्रमा पर इस झंडे को लगा रहे थे, तो इसे सीधा खड़ा करने के लिए उन्होंने चंद्रमा की मिट्टी में इसे काफी तेजी से घुमाया था, जिससे इस पर एक रिपल इफेक्ट पैदा हो गया। और कुछ देर के लिए जब इसकी फोटो खींची जा रही थी, तो तस्वीरों में ऐसा लग रहा था जैसे उसमें वो लहरा रहा हो।
यानी ये तर्क भी बिल्कुल सही बैठता है कि सवाल का जवाब एकदम सही लगता है और इसको आप धरती पर भी आजमा कर देख सकते हैं, यह आपको 100% रिजल्ट देगा। इसके अलावा एक और तर्क ये भी दिया जाता है कि मून लैंडिंग की ली गई तस्वीरों में चंद्रमा पर जो पत्थर दिखाई दे रहे हैं उनकी भी अलग अलग परछाइयां बन रही है और काफी अजीब लगती है, और कई लोग इनको लेकर भी सवाल उठाते हैं। तो इसको भी समझाते हुए एस्ट्रोनॉट कहते हैं कि चंद्रमा पर दिन के साइड पर लैंडिंग करने के कारण सूरज की रोशनी वहां पर काफी तेज आती है, चंद्रमा के उस हिस्से पर काफी तेज उजाला होता है, जिसके कारण आज चंद्रमा की सतह पर भी सूर्य का प्रकाश रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसलिए उस समय जब चंद्रमा की तस्वीरें खींची जा रही थी तो केवल सूरज ही इकलौता प्रकाश का स्रोत नहीं था, बल्कि चंद्रमा और यहां तक कि एस्ट्रोनॉट्स के सफेद स्पेस सूट भी सूरज की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे। वो एक लाइट की तरह ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिसके कारण चंद्रमा के पत्थरों पर पड़ने वाली लाइट से अलग अलग दिशाओं में परछाइयां बन रही थी, जिन्हें हम उस समय नील आर्मस्ट्रांग द्वारा ली गई तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसे आप भी देख सकते हैं। अब एक तस्वीर देखिए, यह तस्वीर है उस समय चांद पर जाने वाले दूसरे शख्स की, जिसका नाम है बज एल्ड्रिन। ये चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग द्वारा खींची गई थी। इस तस्वीर में आप बज एल्ड्रिन के हेलमेट में नील आर्मस्ट्रांग की रिफ्लेक्शन इमेज देख सकते हैं, पर अगर आप ध्यान से इस तस्वीर को जूम करके देखोगे तो आपको नील आर्मस्ट्रांग के पास कोई भी कैमरा दिखाई नहीं देगा। इसलिए इस तस्वीर को लेकर कई लोगों के ये सवाल उठते हैं कि जब इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रांग द्वारा खींचा गया था तो आखिर उनके हाथ में हमें कैमरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, और ये बात जायज भी लगती है, यानी कि वहां पर किसी तीसरे इंसान ने उनकी फोटो खींची है। तो इसका जवाब भी काफी सिंपल है, हम इस तस्वीर में नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कैमरा इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कैमरा आई नहीं, बल्कि उन्होंने जो स्पेस सूट पहना है उसमें नासा ने खास तौर पर कैमरे को लगाया था, जैसे कि आजकल हमारे राइडर भाई लगाते हैं, अपने हेलमेट में कैमरा लगा लेते हैं और वो जहां भी जाते हैं तो रास्ते में सारी मोमेंट कैप्चर हो जाती है, ताकि वो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर की जाने वाली गतिविधि को नासा के हेडक्वार्टर में बैठकर देख सकें और इस तस्वीर को नील आर्मस्ट्रांग के स्पेस सूट में लगे उसी कैमरे से खींचा गया था। तो दोस्तों, ये थे वो सवाल जो अपोलो 11 मिशन की सक्सेसफुल और इसके फेक होने के ऊपर उठाए गए थे, लेकिन इसका नासा ने बखूबी जवाब दिया है। अब इन जवाबों से आप कितने संतुष्ट हैं कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि अपोलो 11 मिशन कभी हुआ ही नहीं था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग नहीं था? अमेरिका कभी चांद पर गया ही नहीं? यदि आप भी मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच टू द मून, तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा आप कौन सी बात को सही मानते हैं, नासा मिशन झूठ था या सही, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।